हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वाइम ब्लॉग। सुजुकी विस्टॉम एसएक्स के रिव्यू का आप सबको इंतजार था, फाइनली मैं इसका फर्स्ट रिव्यू ले आया हूं। अब इस बाइक की जो डिमांड है, जो पॉपुलरिटी है, ये काफ़ी पहले से हो चुकी है। सो गाइस, रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें। तो आइए दोस्तों, सुजुकी विस्टॉम के रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो फ्रंट में अगर देखा जाए तो इसमें हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि यार एडवेंचर बाइक के लिए काफ़ी ही अच्छे होते हैं। और थोड़ा सा नीचे आते तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग ब्रेकिंग पे थोड़ा सा आ जाते हैं, तो डुअल चैनल ई पे इसमें आता है। टायर की बात करें तो टायर भी इसके काफ़ी अच्छी क्वालिटी के दिए गए MRF के। और अब हम लोग जैसे इसकी बाकी टैंक की साइड थोड़ा देखे यार, ये वाला जो मेरे सामने जो कलर खड़ा ये है रेड एंड ब्लैक में, जो कि काफ़ी सेक्सी लग रहा है यार। और भी कलर्स हैं इसके बगल, वो मैं आपको वीडियो के एंड में थोड़ा दिखाऊंगा। तो आइए अब यहाँ से सीधा हम लोग करते हैं इसके इंजन की बात। इंजन है इसका 249 cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड। अगर हम लोग मैक्स पावर की बात करें तो 26.1 bhp, जो कि 9300 rpm पे जनरेट होती है। अगर मैक्स टॉप की बात करें तो 22.2 Nm, जो कि 7300 rpm पे जनरेट होती है। और गाइस, अगर हम लोग यहाँ पे इसकी फुटरेस की बात करें तो फुटरेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और अब अगर हम लोग इसके बैक टायर के साइज पे अगर ध्यान दें तो 140x70 17 inch के अलावे के साथ इसका आता है बैक टायर। फ्रंट टायर साइज की अगर हम लोग बात करें तो फ्रंट टायर साइज के 100x19 19 inch के अलावे के साथ। और गाइस, अगर हम लोग इसके थोड़े से हैंडल पे ध्यान दें तो इसकी हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यार। हालांकि अभी मैंने इसको चला के नहीं देखा, जब चला के देखूंगा तब जरूर उस पर भी राइड रिव्यू उसका आएगा। और अब अगर यहीं पर अगर हम लोग इसके थोड़ा का टैंक पे अगर ध्यान देते तो टैंक कैपेसिटी सबसे पहले आपको बता देता हूँ। टैंक कैपेसिटी है इसकी 12 liters की और रिजर्व में इसका आ जाता है कितना 2.4 liters। और अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ी सीट की बात करें तो सीट की कुशनिंग भी यार काफ़ी अच्छी है। और पीछे यहाँ पर एक पैनियर रखने का भी यहाँ पे एक मतलब जगह बना रखी है। और पीछे का बैक का टेल डैडी का लुक देख सकते हो, बहुत अच्छा है यार। और यहाँ पे सारी गार्ड आपको मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। और अगर यहाँ पे नीचे हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें उसके, और यहाँ पे स्विंगाम आप देख सकते हो यार, कितना अच्छा लग रहा है स्विंगाम भी देखने में। काफ़ी एक प्रीमियम लुक, मतलब काफ़ी प्रीमियम ये बाइक लग रही है देखने में भी। और थोड़ा अगर इसके गियर बॉक्स की बात करें तो वही 6-speed ट्रांसमिशन है। एंड अगर हम इसकी फ्रंट की लाइट की बात करें तो फ्रंट में आपको इसमें DRL डे टाइम रनिंग लाइट आपको इसमें मिल जाती है। और मैं थोड़ा सा दूर से भी आपको इसकी लुक दिखा देता हूं। और इसकी ओवरऑल हाइट की अगर हम लोग बात करें तो 1355 इसकी ओवरऑल हाइट है। और गाइस, अगर वीडियो अगर आपको ये अच्छी लग रही हो तो मुझे लगता है यार, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी रही होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो। और ये इस बाइक के बाकी कलर देख सकते हो आप सामने ही खड़े हुए आपके, और ये रहा सबसे मेन जिसपे मैं शूट कर रहा हूँ। एक कलर यहाँ पे खड़ा हुआ है बाहर येलो कलर का, तो मैंने सोचा ये भी दिखा देता हूँ। बाकी अंदर मैंने ब्लैक, ग्रे और रेड वाला दिखा दिया, साले को भी आप देख के बताओ कैसा लग रहा है। और अब एक बार आपको मैं इसका मीटर ऑन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मीटर की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको नहीं दी है। तो चलो अब मीटर ऑन करके दिखाता हूँ आपको। और गाइज, ये रहा इस बाइक का मीटर, और मीटर इस बाइक का काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। इसके मीटर में आपको GPS नेविगेशन का भी फीचर मिलता है, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी का भी फीचर मिलता है। और गाइस, इसी बाइक के फेस के लेफ्ट साइड पे आपको मोबाइल का चार्जिंग का भी पोर्ट मिल जाता है। आप इसमें USB लगा के आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है इस बाइक। गाइस, मैं आपको इसका सुजुकी विस्टॉर्म का साउंड सुना देता हूँ। तो आप साउंड सुन सकते हो, थोड़ा ज़्यादा cover the map and still ain't know where you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. I ain't never sleep, staying ready. Keep an eye out for the fakes, for the snakes. Roll the clip and I'ma pull it. तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो यार प्लीज लाइक करना, शेयर करना। जो बंदा चैनल पर नया हो यार, वो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जिसको भी अगर कोई बंदा कानपुर से वीडियो देख रहा है, उसको अगर ये बाइक परचेज करनी हो तो ये देखो, ये सुजुकी माल रोड पे है। और मैं आपको यहाँ के शोरूम का कांटेक्ट नंबर मेरे देखो वीडियो में देखो नीचे लिख कर आ भी रहा है, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो जल्दी से जाके कर लेना कॉल अगर किसी को भी लेनी हो। और यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट। जो बंदा चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरूर करना यार, दोबारा बोल रहा हूँ। अगर अभी तक आपने किसी ने भी इंस्टा पे फॉलो ना करा तो फॉलो कर लेना, देखो इंस्टाग्राम नीचे लिख कर आ रही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका भी लिंक है। तो चलो मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट व्लॉग में। टेल देयर सब्सक्राइब एंड बाय बाय गाइस।